हेलो लो बच्चों, स्वागत है आप सबका फटाफट 5 मिनट्स केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ और केमिस्ट्री की एक सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों, कभी भी अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन की करते हैं, या कभी कभी अगर हम देखा जाए अगर नॉर्मल कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसमें हमारी कैलकुलेशन आती है, तो हमें कभी कभार राउंड ऑफ करना पड़ता है। ये राउंड ऑफ आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स में सिखाया जाता है आप लोगों को। तो आज हम 5 मिनट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे राउंड ऑफ करना। क्लियर बात है बच्चों? तो जनता ध्यान से समझ लीजिए। जैसे सपोज एक न्यूमेरिकल दे दिया मेरे पास में, और यहां पर आपको ये एडिशन करना है ना? तो एडिशन आप कैसे करेंगे, आप सबको पता है। जैसे सपोज मेरे पास में एक नंबर है 5.322 प्लस 2.12, तो मेरे भाई 2 का 2 आ गया, 2 2 4 हो गया, 3 2 4 हो गया, और 5 2 7 हो गया। तो आपका आंसर कितना आया, 7.442। लेकिन अगर आपको कहा जाए इसको राउंड ऑफ करके लिखो तो आप कैसे लिखेंगे? तो बच्चों एक ट्रिक है, ध्यान से समझना, कि अगर आपका नंबर है 7.442, तो आप अपना लास्ट डिजिट देखेंगे। आप अपना क्या देखेंगे बच्चों? लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर ये आपका लास्ट डिजिट जो नजर आ रहा है, ये आपका लास्ट डिजिट जो नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू यदि 5 से कम है, इसकी वैल्यू यदि 5 से कम है, इस नंबर की वैल्यू यदि 5 से कम है, तो इससे पहले वाला देखो क्या आ रहा है, 4। उसको एज इट इज लिख दो। इससे पहले वाला क्या आ रहा है, 4, उसको एज इट इज लिख दो। तो ये हो जाएगा 7.44। ऐसे ये क्या हो गया, 7.44। ठीक है, फिर अगर बाय चांस तुम्हारा नंबर 5 से ग्रेटर आता, जैसे 7.448 ऐसे आता, तो आप इसका लास्ट डिजिट देखिए, 8। अब ये जो लास्ट डिजिट आ रहा है 8, ये 5 से बढ़कर है। ये बच्चों लास्ट डिजिट जो आ रहा है आपका, ये 5 से ग्रेटर है। सही बोल रहा हूं मैं? आपका जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में इससे पहले वाला एक नंबर देखो क्या आ रहा है, 4। इसमें आप +1 करके लिख दोगे। इसमें बच्चों आप लोग +1 करके लिख दोगे, ऐसे देखो +1। तो यहां पर फिर आप राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 7.4। 4 से 1 +1, 5। तो ये हो गया आपका राउंड ऑफ। ये हो गया बच्चों आपका राउंड ऑफ। वहां है 7.44, यहां आ गया 7.45। तो अब ये आपको राउंड ऑफ करना आ गया है, बोलिए हाँ के ना कमेंट बॉक्स में ही। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप तो कह रहे हो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है तो उससे पहले वाला जो नंबर है वो एग्जैक्टली लिख दो। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। और अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला जो नंबर है उसमें +1 करके लिख दो। जैसे 7.448 है, इसमें +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.45। तो ये इसका राउंड ऑफ करेक्ट आएगा। लेकिन यदि लास्ट डिजिट ही 5 हो जाए तब क्या करें अक्षय सर? ये तो 5 के रिस्पेक्ट में है ना, लेकिन अगर बाय चांस आपका लास्ट डिजिट 5 ही हो जाए, जैसे सपोज 7.535 ये है, अब क्या करें? अक्षय भाई सर आपने तो कहा है कि लास्ट डिजिट देखो, तो लास्ट डिजिट तो अब क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, अब क्या करें, क्या करें? अब कोई बात नहीं, आप लास्ट डिजिट से एक पहले देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखो ये 3 ऑड है या इवन है, ऑड है। तो यदि आपका 5 आ रहा है लास्ट नंबर और इससे पहले वाला डिजिट जो है वो ऑड आ रहा है, तो आप +1 करके लिख दोगे। आप इसमें +1 करके लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 7.54। ये हो जाएगा बच्चों क्या आपका, 7.54 +1 करके लिख दोगे। सबको समझ आ गया? क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, 7.54। नेक्स्ट अगर आया है 7.525 ऐसे, और इसका राउंड ऑफ करने के लिए कह दे, और यदि देखिए बच्चों लास्ट डिजिट जो है आपका वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब ये 5 आ गया तो इससे पहले वाला इवन आ रहा है, देख लीजिए इससे पहले वाला डिजिट जो है वो इवन है। तो जब अगर इवन डिजिट है तो उसको एज इट इज लिख दोगे विदाउट एनी चेंज, तो ये हो गया 7.52। तो
तो इस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, चाहे आप केमिस्ट्री की कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे बच्चों आप फिजिक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, इस तरीके से आप अपना राउंड ऑफ और ज्यादा इजी और स्मूथ कर सकते हैं। सो आई होप ये 5 मिनट केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। ऐसी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।